बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, चले देखिए आगे आगे होता है क्या। जी तो सफर शुरू हो गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी का कुछ कर लिया जाए, क्योंकि गाड़ी की पासिंग डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर किसी ने देख लिया तो जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि स्टिकर लगा होता है ना गाड़ी के फ्रंट विंड स्क्रीन पे स्टिकर होता है। अगर इसमें डेट एक्सपायर है तो आपका जो भी पुलिस वाला पकड़ेगा आपको फौरन ही जुर्माना करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज गाड़ी को पास करा लिया जाए। यहाँ पे हर साल इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की। गाड़ी में वो हर चीज़ चेक करते हैं, टायर चेक करते हैं, ब्रेक चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, इवन आपकी लाइट्स, फुल इंडिकेटर सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, वरना वो फेल कर देते हैं गाड़ी और बोलते हैं कि पहले सब सेट करवा के लाओ फिर पास करेंगे। बकायदा यहाँ पे एक सिस्टम है और अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी है। अगर आपकी गाड़ी में कुछ मसला है और आप उसको चला रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है रोड पे, लिहाजा सबको चाहिए कि गाड़ी टाइम पे पास करवाया करें। और सेफ्टी के बारे में कोई कंप्रोमाइज ना किया करें। जी तो ऑलरेडी मेरा एक महीना ऊपर हो चुका है, तो चलते हैं देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। गाड़ी पास कराने से पहले उसको अच्छी तरह उसकी सर्विस करवाऊंगा। तो थोड़ा ये भी एक फार्मूला होता है कि गाड़ी अच्छी तरह पहले सर्विस करवा लें, छोटे मोटे उसमें कुछ नकायस हैं तो उनको दूर कर लें, पहले ही मैकेनिक के पास चले जाएं। इससे बेहतर ये है कि पहले ही अपने जो फॉल्ट हैं वो दूर करवा लें, जाए इसके कि आपको जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है उसकी दो दफा फीस अदा करनी पड़ जाए। अभी 3 मिनट पे है, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड देने की दोबारा ट्राई करूँगा। जद्दा में तो नाकाम हो गया था, उनके रूल बहुत सख्त थे। अभी इधर देखता हूँ क्या बनता है, आइए चलते हैं। जी ये जो मैं कार्ड दिखा रहा हूँ इसको इस्तमारा बोलते हैं। इस्तमारे का मतलब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। तो मैंने ट्राई किया है तो रिन्यू कराने की, लेकिन वो बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके आओ। तो अभी अपॉइंटमेंट मुझे कल की मिली है, कल दोबारा आना पड़ेगा। तो भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा ये एक रेस्टोरेंट मिला, इसको यमनी रेस्टोरेंट बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ब्रेकफास्ट
वो कल की आ रही है, आज की नहीं आ रही, इसलिए उस्मान भाई पे अभी पर्चा तो बनता है। उस्मान भाई ने बोला नो नीड फॉर अपॉइंटमेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी। उस्मान भाई तैयार हो जाएं, तो चलो इधर से कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, चक्कर तो लग ही गया है इधर। हाजी साहब भी कह रहे थे कि उनके लिए कोई माउथ वाश वगैरह लेना है, अपना टूथपेस्ट ले लूँगा। बिल्कुल, ये कितने का? सबताश। ओके, और एक मिनट। ओके, किधर है? कितने का है? ये देखे जी, ये लिया है सेंसोडाइन, पता नहीं इससे क्या करते रहते हैं वो। और ये एक टूथपेस्ट। चलो तो अब चलते हैं नई मंजिल की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ कार वाश कराने, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे ये इधर कार वाश करते हैं। आइए देखते हैं, उम्मीद है कि रश नहीं होगा। तो ये कार वाश सेंटर है जहाँ पे गाड़ियाँ हम अपनी इनकार करेंगे। ऑलरेडी कार वाशिंग हो रही है, लगे हुए हैं जवान। तो मैं अभी इधर अपनी गाड़ी नंबर पे लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये मैट वगैरह साफ करेंगे, तो एक बंदा वैक्यूम क्लीनर से अंदर की सफाई करेगा। क्लीनिंग हो रही है अंदर से। बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, एक बड़ा सा हाल बनाया, हाल के अंदर ही इन्होंने ये देखें चार पोर्शन बना दिए, 1, 2, 3, 4। और छोटी सी स्टाफ भी बनाई हुई है, अगर किसी को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वहाँ से लेकर। करवा देता हूँ, ये देखें खेत बनाए हुए हैं लोगों ने, कुछ दरख्त लगाए हैं, कुछ चारा है जानवरों के लिए। साथ ही रोड है, एयर प्रेशर से सफाई हो रही है।
Hi. उस्मान भाई आ गया जी। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रहे हैं? आप सुनाएं भाई चांस, आप किधर पहुंच गए आज? सर बस हम अभी ड्यूटी में जा रहे हैं, सब जी जी सर्विस करवानी थी, वो करवाने आए हैं। जी जी माशाल्लाह हो गई अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे है? बाहर ही है जी, बिल्कुल। चलो ये देखें, मैं पता क्या हुआ आज ना, आपने मुझे बताया था कि मरूर जाने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए पर्चे वाली बात आ रहा था। अच्छा, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ गया हूँ तो बोलते हैं अपॉइंटमेंट ले गया किस तरह, तो अपॉइंटमेंट का तरीका भी आपको बताता हूँ। अच्छा, आई साहब फिर क्या प्लान है, अभी कहाँ जाना है? हम अभी ड्यूटी में जा रहे हैं। जी जी हमारी गाड़ी होती है। जी जी लंच कर लिया? जी जी कहाँ पे लंच किया आपने? सो के उठा था। हाँ सो के उठे हम। सो के उठे हैं तो फ्लाइट कितने बजे थी? मिडनाइट में थी भाई साहब, रात 1 बजे। रात 1 बजे? अच्छा अच्छा, फिर नींद पूरी हो गई। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह कैसे देखा? मैं तो अंदर था। हमारी जो गाड़ी के बैक वाले शीशे हैं उनको यूज करते हैं। अच्छा, फ्रंट देखते हैं हम, साइड वाले पर बैक में। अच्छा ठीक है, हमारे भाई का क्या हाल है? हाँ ठीक है, फिट है। चलो आज देखते हैं आपकी गाड़ी कैसे बात की है उन्होंने। अच्छा वो आपकी गाड़ी हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई साहब अगर हमारे लिए कोई खिदमत है ऐसे दुआ कर दीजिएगा आप। जी जी लंच आपने कर लिया नहीं तो हम आपको सरगोधा होटल से चने खिलवा दें, कामयाब करें इंशाल्लाह। जी 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 ठीक है, अंदर से नहीं करनी ठीक है सर। अगर पर्चे वाली बात आ जाए तो माइंड तो नहीं करेंगे, कॉपी राइट सर अंदर कर देंगे। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू। देखें जी नीचे से साबुन लगा दिया भाई ने। अच्छा अच्छा, आपको भी कवर करते हैं भाई, कैसा है? अच्छा गुड 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 गुड। और भाई साहब आपका काम खत्म हो गया? अरे बस थोड़ा बाकी है भाई। अच्छा थोड़ा बाकी है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है, मास्क उतारना? सब्सक्राइब करता हूँ भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब लाइक शेयर। गुड गुड वेरी गुड। अच्छा अभी ये इंजन को धो रहे हैं जी, इंजन को अच्छी तरह धोएंगे।
पड़ जाएंगे। अभी डिटर्जेंट ऊपर शावर कर रहा है, डिटर्जेंट के बाद उसको फिर दोबारा रगड़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर पानी से साफ करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे कपड़े के साथ। वेरी नाइस। आइए आइए, अब आपका वीडियो बनेगा। हो गया इसका? अच्छा इंशाल्लाह कोरोना जाएगा। कोरोना बहुत अच्छा है जी जी। भाई का पूरा गाड़ी तो नया बनाना है यार। वेल डन वेल डन। ये देखो, हाँ।
जी तो गाड़ी वॉश हो गई है, लड़कों ने बहुत मेहनत की है, साथ साथ हमारी मेहनत भी हो गई है। वीडियो बनाते बनाते बहुत गर्मी थी, पसीना निकल आया। आउटसाइड बहुत गर्मी होती है जी यहाँ पे सऊदी में, तो ये देखें पसीना। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।